अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे टेम्परेचर हुआ था, उसके बाद ना मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 101 फीवर आया था। मैंने कोल्ड प्लंजिंग थोड़ा सा किया, टेबलेट का इफिनेडोज और पेरासिटामोल का। तो अभी जो है ना टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ है और मोशन भी मुझे है, तो इस वजह से मैं अभी IV कैथेटर लगा रहा हूँ किनौला। तो ये प्रोसीजर मैंने आप लोगों को ये बताना है कि अगर आप लोग अकेले में हो, कोई आपके पास नहीं हो, तो किस तरह आपने IV कैथेटर किनौला लगाना है। तो अभी हम शुरू करते हैं IV कैथेटर किस तरह हम अकेले में लगाते हैं। सही है, बिस्मिल्लाह। ये हमारे पास IV कैथेटर है किनौला 24 गेज का, इसको हमने खोल दिया है यहाँ रख के। सही है, और ये हमारे पास स्टॉपर है, इसको भी हम खोल लेते हैं सबसे पहले। और अभी हम जो है ना टोनिकेट बांध देंगे अपने हाथ को। टोनिकेट किस तरह बांध देंगे, वो तो ईजी है। आप लोगों ने जिस तरह भी बांधना है आप लोग बांध सकते हो। ये हो गया आपका टूनिकेट। अभी वेन इसमें आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि कौन सा वेन अच्छा है। सही अभी है, हमने जो क्या करना है, स्पिरिट स्वैब निकाल के एक टॉय जो पीठ फुट के उंगली है इसको स्पिरिट स्वैब से साफ करना है। सही है, स्टरलाइज करना है ताकि कोई जर्म्स वगैरह हो ये इस पर ना रहे, क्योंकि इसको भी यूज़ करना है अकेले में कैथेटर या किनौला इस्तेमाल करने में। सही है, थोड़ा सा और भी निकाल लेंगे स्पिरिट स्वैब और इसको वेन के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो बंद कर दे, देखिए ये हवा में उड़ जाते हैं। जब भी मैंने IV कैथेटर 24 गेज का उठा लिया और इस वेन में हम इसको लगा ही देते हैं। बिस्मिल्लाह, सही है, ये हो गया। अभी हमने टोनिकेट खोलना है, ठीक है, मुट्ठी को भी खोलना है, और हमने अभी स्टॉपर लगाने हैं। तो स्टॉपर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर उंगली रखना ज़रूरी है ताकि ब्लड स्टॉप हो जाए। तो अभी हम उसको ये उंगली जो हमने स्टरलाइज किया है इसको यहाँ पर रखेंगे। सही है, जैसे हम इसको रखेंगे तो ब्लड स्टॉप हो जाएंगे। सही है, नहीं आएंगे, और यहाँ पर हम स्टॉपर लगा देंगे। स्टॉपर लग गया, ठीक है, इसको टाइट भी करना है, ये हो गया। अभी इसके ऊपर स्टिकिंग लगाना है, ठीक है, स्टिकिंग लग गया। स्टिकिंग भी आप लोगों ने पहले से तैयार करना है जैसे मैंने कर दिया है, जो मैंने ऑलरेडी स्टिकिंग को तैयार किया था। इस तरह आप लोगों ने भी स्टिकिंग को तैयार रखना है। तो ये था अकेले में, अगर आपके पास कोई नर्सेस डॉक्टर वगैरह नहीं है और आप लोगों को इमरजेंसी कैथेटर इस्तेमाल करना है, मतलब लगाना है, तो आप लोगों ने किस तरह लगाना है आप लोगों को मैंने ही दिखा ही दिया। ईजी है, बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं है। जब आप लोगों ने हॉस्पिटल में IV कैथेटर लगाया हो तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी मैं इसमें जो है ना पैरासीटामोल का ये भोपाल गान है इन्फ्यूजन, मुझे फीवर है तो फर्स्ट मैं ये लगाऊंगा। उसके बाद वीकनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मोशन हुआ है, तो उसकी वजह से मैं ये रिंगर लैक्टेट RL है ना, रिंगर लैक्टेट ये लगा दूंगा, ठीक है, और एंटीबायोटिक।